सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से आप एक यूट्यूब चैनल लेके ऑनलाइन टेक पर। सो दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ी खबरी जो है आप सबके लिए आ गई है, बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे यूपी के द्वारा दोस्तों, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखा था कि यहाँ पे यूपी बिजली बिल माफ़ी योजना जो है स्टार्ट होगी मार्च से। तो यहाँ पे 1 मार्च से यानी कि कल से दोस्तों, ये एक मुश्त समाधान योजना दोस्तों, जिसे आप OTS के नाम से भी जानते हैं शॉर्टकट नेम से, तो OTS का दोस्तों यहाँ पे योजना ये चालू हो गई है 1 मार्च से। और इसमें आपको कैसे आवेदन करना है दोस्तों, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, अपने पुराने बिजली बिल का दोस्तों कितना ब्याज आपका कटा है और कितना शेष बचा दोस्तों, और आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करते वक्त दोस्तों आपको कितना जो है पहले बिल अमाउंट कितना पे करना होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। ऑनलाइन करने से पूर्व दोस्तों ये वीडियो आप बिना स्किप किए पूरा देखें, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए यहाँ पे इनका नियम क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों, और छोटी सी आशा करते हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर, बेल आइकन दबाने के बाद नोटिफिकेशन इनेबल करें दोस्तों, ताकि हर एक योजना से जुड़ी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए हम आपको इसके बारे में, सबसे पहले आप इसे ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करिएगा। तो दोस्तों, OTS योजना है क्या, यहाँ देखिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, OTS का जो फुल फॉर्म है वन टाइम सेटलमेंट है, यानी कि एक मुश्त योजना। तो इस योजना के अंतर्गत दोस्तों देखिए, यहाँ पे ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों को घरेलू जो LMB 1 श्रेणी में आते हैं, और निजी नलकूप उपभोक्ता जो LMB 5 को श्रेणी में आते हैं, उनको यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। पहले यहाँ पे दोस्तों जो है दोस्तों, कमर्शियल और LMB 5 के लिए इस योजना के लिए लागू किया गया था, लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों जो है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के भी लोग यहाँ पे घरेलू जो उत्पादक हैं, यहाँ पे बिजली का उपभोग कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे अब अपना बिजली बिल आसानी से देख सकते हैं, उनका कितना ब्याज माफ हुआ है और उन्हें कितना शेष जमा करना है, सारी जानकारी अब यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो देखिए, अब ये योजना जो है 1 मार्च से 15 मार्च तक पंजीकरण कराया जा सकेगा, यानी कि ये योजना 1 मार्च से 15 मार्च तक आप पंजीकरण करेंगे इसमें, उसके बाद दोस्तों आपके सारे बिल जो है आपको इसी मार्च महीने तक ही, लास्ट मार्च तक सारे आपको जमा करने हैं। तो क्या पूरी जानकारी देखते जाइए यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ देख सकते दोस्तों कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस योजना को लागू किया गया था। यहाँ देख सकते उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सरचार्ज माफी योजना की घोषणा की है। एक मुश्त समाधान योजना, जिसे OTS दोस्तों नामक यह स्कीम सोमवार यानी 1 मार्च से लागू की गई है। योजना के तहत घरेलू व निजी नलकूप उपभोक्ताओं को बीती 31 जनवरी तक के बकाए पर लगे सरचार्ज को छोड़ते हुए भुगतान करने की तारीख तक की पूरी देय धनराशि का एक मुश्त भुगतान योजना 31 मार्च तक करना होगा। तो यहाँ देख सकते दोस्तों कि बीती जो 31 जनवरी तक लास्ट तक जो आपका जितना भी बिल बना हुआ है, जितना भी ब्याज बना हुआ दोस्तों, वो सारे ब्याज आपको यहाँ पे माफ करने के बाद आपका शेष कितना बचता दोस्तों, और शेष के ये उसके बाद फरवरी का दोस्तों यहाँ पे जो आपका बिल है उसे जोड़ करके आपका कितना बिल हुआ है अमाउंट, वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, और उसे जितना होता है वहाँ पे आपको उसे जमा करना होगा। आगे मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मैं एक कस्टमर का चेक करके भी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो पहले दोस्तों सारी बातें यहाँ पे जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक और जो है सूचना दी गई है, बहुत ही अहम है, जो कि यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यदि आपने इसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया है, पहले देख सकते हैं कि यदि उपभोक्ता 31 जनवरी तक के बकाए पर लगे सरचार्ज को छोड़ते हुए भुगतान करने की तारीख तक की पूरी देय धनराशि का एक मुक्त भुगतान 31 मार्च तक नहीं करता है, तो उसका पंजीकरण अपने आप रद्द हो जाएगा। साथ ही पंजीकरण के समय जमा राशि में से 2000 रुपये या वास्तविक जमा राशि को जो भी कम हो जब्त कर शेष जमा धनराशि को बकाए में समायोजित करते हुए उसके बिल में फिर से सरचार्ज जोड़ा जाएगा। योजना का लाभ पाने के लिए उपभोक्ता अपना पंजीकरण संबंधित अधिशासी अभियंता, SDO कार्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसेवा केंद्रों पर करा सकता है। उपभोक्ता अपना पंजीकरण उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट UP Energy पर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप खुद से नहीं करना जानते हैं तो आप जनसेवा केंद्र के माध्यम से करा सकते हैं, वरना आप खुद करना चाहते हैं तो UPEnergy.in की वेबसाइट पर आकर के यहां से कर सकते हैं। तो अब चलिए मैं दोस्तों आपको पूरी की पूरी बात समझाता हूँ कि आपका कैसे क्या चार्ज रहेगा दोस्तों, और कैसे किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले चलेंगे इस वेबसाइट पर दोस्तों। तो इस वेबसाइट का मैंने यहाँ पर देखिए ओपन करके रख लिया है। आप आएंगे क्रोम ब्राउजर में और यहाँ पे टाइप करेंगे UP Energy, तो सबसे पहला वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है UP Energy.in। तो इसे यहाँ पे हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर, बेल आइकन दबाने के बाद नोटिफिकेशन इनेबल करें, ताकि हर एक योजना से जुड़ी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों हम इसे डेस्कटॉप साइड मोड पर कर लेते हैं।
और यहाँ पे देखिए पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को जनवरी 2021 तक के बकाया मूल धनराशि सरचार्ज रहित 30% वर्तमान देय के साथ जमा करना होगा, जिसके बाद की पंजीकरण पूर्ण होगा। समस्त उपभोक्ता को अपने संपूर्ण बिल का भुगतान विलंब दिनांक 31/3/2021 तक जमा करना होगा। उपरोक्त सभी प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली से ही की जाएगी, जिससे भविष्य में त्रुटिपूर्ण बिल निर्गत ना हो। तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि LMB 1 और LMB 5 पर निजीकरण 2021 तक के बकाए पर लगे अभिभार यानी ब्याज का प्रतिशत की छूट रहेगी। तो इस तरीके से आप यहां देख पा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों इसे हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहां पर भी हमें ऊपर ऑप्शन मिल जाता है OTS फॉर अर्बन कंज्यूमर, OTS फॉर रूरल कंज्यूमर। पर दोस्तों यहां और नीचे आएंगे हम, यहां पे देखिए बिल पेमेंट के ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आप अर्बन शहर से हैं दोस्तों तो अर्बन वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आप दोस्तों OTS फॉर रूरल कंज्यूमर हैं तो यहाँ पे ग्रामीण से हैं दोस्तों तो यहाँ पे नीचे वाले पर क्लिक करेंगे। तो देखिए आप सबसे पहले आपको यहाँ पे इस अगर ग्रामीण से हैं तो इस पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ग्रामीण इलाके की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर का 12 डिजिट नंबर यहाँ पे डालना होगा दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से LMB 1 और LMB 5 के लिए या 31 जनवरी तक का बिल जो है सरचार्ज जितना होगा सब माफ़ रहेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर डालता हूँ दोस्तों, किसी एक कंज्यूमर नंबर कस्टमर का मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल दिया हूँ। और यहाँ पर ये कैप्चर कोड डाल करके आपके सामने सारी बातें, तो दोस्तों यहाँ देखिए कंज्यूमर नंबर मैंने डाल दिया और यहाँ पे कैप्चर कोड भी डाल दिया। और यहाँ पे अब मैं सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने सबमिट बटन पर क्लिक किया दोस्तों, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम रजिस्ट्रेशन पेमेंट, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने वाला निकल जाता है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे टोटल ड्यूज ऑन डेट, यहाँ देख पाएंगे कंज्यूमर नंबर, यहाँ पे इनका बिल टोटल हुआ है 33,431। बड़ा बिल मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना फ़ायदा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे इनका टोटल 33,431 बिल हुआ है, जिसमें से सरचार्ज वायर अमाउंट टिल 31 जनवरी 2021 तक का इतना हुआ था, यानी कि 31 जनवरी तक का जो है इनका ब्याज जो होगा 10,653.84 रुपये इतने बिल हुए थे, जो कि ये अब इनके माफ़ हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कि 10,000 तक का बिल आपका यहाँ पे माफ़ हो गया है। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका जो बचता है 22,777.16 रुपये यहाँ पे आपको जो है टोटल बचता है। और इसे 22,777 रुपये को आपको जो है दोस्तों यहाँ पे मार्च लास्ट 31 मार्च तक पूरे जमा करने हैं। कैसे जमा करने हैं? जब आप रजिस्ट्रेशन करने हैं करते हैं दोस्तों, OTS रजिस्ट्रेशन अमाउंट 30% आप आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ मिनिमम 2,000, यानी आप देख सकते हैं कि आपको इतने बिल का 30% जो है पैसा आपको यहाँ पे पहले जमा करना होगा रजिस्ट्रेशन करते वक्त। तो यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो आपके 22,000 रुपये में से ही 7,183 रुपये यहाँ पे 30% के हिसाब से बनता है, जो कि आपको यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करते वक्त जमा करना होगा। और ये रजिस्ट्रेशन डेट है 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक। तो आपको 15 मार्च के अंदर अंदर ही रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको इतना बिल जो है जमा करना होगा। बाकी का बिल जो आपका 15,594 रुपये दोस्तों बचता है, उसे आपको 31 मार्च तक लास्ट तक आपको यहाँ पे उसे भी जमा करना होगा इसी के ही पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया के। तो दोस्तों अब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, अगर आपके बिल में कोई भी गड़बड़ी हुई है तो यहाँ पे पेमेंट करते वक्त जैसे बिल रिवीजन का एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, जो नो तीर है यहाँ पे इस पर यस कर देंगे दोस्तों। तो यस करने के बाद जब यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे तो आपको अपने हैडल में जाना होगा, वहाँ से जो भी वहाँ पे लाइन मैन वगैरह जो मेन होते हैं दोस्तों उनसे आपको अपने बिल के बारे में सारी वारदात कर लेनी है, सब कुछ सही करवा लेनी है। अगर आपके यहाँ पे बिल सब कुछ सही है तो यहाँ पे इसे नो ही रहने देंगे, अगर गड़बड़ी है तो यहाँ पे यस करेंगे। तो दोस्तों अब आपको आशा करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई होंगी, यानी कि जिन भी कस्टमर का 31 जनवरी तक पिछला जो 31 जनवरी है उनका जितना ब्याज 31 जनवरी तक बना है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं 31 जनवरी तक कितना ब्याज उनका बना हुआ है, जो कि ये ब्याज अब हटा दिए गए हैं। ब्याज हटाने के बाद टोटल जो है 22,777 रुपये इनका बचता है, जिनमें से रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको 22,000 रुपये में से ही 7,183 रुपये देने हैं। और टोटल जो बचता है 15,594 रुपये, ये आपको 31 जनवरी यानी कि लास्ट तक ये इसे भी जमा कर देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसमें लाभ उठा सकते हैं, जो कि UP सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ी ये स्कीम चलाई गई है। आशा करो दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और जानकारी भी अच्छी लगी होगी। तो लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। चैनल पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाने के बाद नोटिफिकेशन इनेबल करें ताकि हर एक योजना से जुड़ी वीडियो को सबसे पहले मिल सके। तो मिलते दोस्तों अगली वीडियो में एक और नया जन के साथ, तब लगे थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।